हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, दैट इज दिस प्लांट, दिस स्मॉल लिटिल गिलॉय प्लांट। वी ऑर्डर इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट और टाइमली हमारे पास पहुंच भी गया था। तो आज इसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आयुर्वेदा से चला आ रहा है, इसको हम अमृता के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, जो आयुर्वेदा में इसका नाम दे रखा है। तो आयुर्वेदा से चला आ रहा है, काफ़ी पुरानी सदियों से ये गिलॉय प्लांट की जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ है ये हमारे साथ बना है तब से। तो ये प्लांट ना हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो 150 रुपीज़ शायद लगे थे प्लांट को मंगाने में और 30 रुपीज़ शायद डिलीवरी चार्ज लगा था। तो जैसे ही मंगाया था तो देखिए प्लांट हेल्दी है, फ्लिपकार्ट से मतलब प्लांट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो बाकी चीज़ें देती है हम समझ सकते हैं जो घरेलू चीज़ें, लेकिन प्लांट्स आ रहे हैं। इतनी सारी साइट्स हैं, नर्सरी लाइव हो गया या और भी साइट्स हैं, ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट से एक अच्छा प्लांट आना बहुत ताज्जुब की बात है। तो इसके मैं बताता हूँ कि गिलॉय प्लांट के बेनिफिट्स क्या हैं। पहली बात तो दो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी। पहली बात, इस पर कीड़ा नहीं लगता, और जहाँ भी आप गार्डन में रखोगे तो जो बाकी प्लांट्स हैं वो भी खिले खिले रहते हैं इसकी वजह से, बिकॉज उनमें भी कीड़े नहीं लगते। दूसरा है कि इसको अभी मैं कुछ दिनों के लिए, शुरुआत के कुछ दिनों में जब इसमें पैकेट में ही रहेगा तब मैं इसको ना शेडी एरिया में रखूँगा। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ठीक है, तब इसको मैं बाहर सनलाइट में रखूँगा, सो दैट ये क्लाइमेटिक जितनी कंडीशंस हैं उसको अडेप्ट कर ले। अभी मैं इसको डेली बेसिस पे पानी दूंगा, बट जैसे ये धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा इसको मैं बाहर शेडी से निकाल के बाहर धूप में रखूँगा। तो इसको ऑल्टरनेट डेज पे भी पानी दे सकते हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लूँगा कि बाहर कैसा मौसम है, इसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है, उस हिसाब से मैं इसको पानी दूंगा। इसके पत्तों के अलावा भी जो इसकी स्टेम्स हैं उसके भी बहुत फेनोमिनल रिजल्ट्स देखे गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि उसकी भी बहुत अच्छी हेल्थ प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका जो है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सेकेंड है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, ये अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि जो ग्लूकोज लेवल है उसको स्थिर रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है, सो दैट डायबिटिक पेशेंट्स को ये बेनिफिट दे। अब इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करता है, जो हमारे फ्री रेडिकल है, ठीक है, उसको दूर रखता है, और जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है उनको हमसे दूर रखता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्योरीफाइंग योर ब्लड, इट हेल्प्स इन योर लिवर डिजीजेस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं या फ्री रेडिकल्स होते हैं या फॉरेन बॉडीज होती हैं, उन सब से ये आपको बचाए रखता है गिलॉय प्लांट। इसका आप जूस भी बना सकते हैं, सुबह सुबह जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो उसकी स्टेम्स को काटिए, ठीक है, लगभग जितना ये उंगली है उतना आप स्टेम लीजिए पर पर्सन के हिसाब से। तो इसको तोड़ के, इसको कूट के आप पानी में डालिए और रोज़ सुबह इसका मतलब सेवन करिए। ये हर एक चीज़ में हेल्पफुल है, हर एक चीज़ में आपकी पूरी बॉडी को ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के अलावा भी बहुत हेल्प बेनिफिट इसके हैं। हाँ, अगर आप जैसे अभी कोविड चल ही रहे, सबको पता है कि गिलॉय की वैल्यू क्या है, या आयुर्वेदिक टाइम से चलता आ रहा है गिलॉय की वैल्यू सबको पता है, बट इसको घर में क्यों रखना है, क्यों इसको अपने गार्डन में सजाना है, या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो सब लोग नहीं जान पाते। सिर्फ ये है कि गिलॉय एक अच्छा प्लांट है, बस उसकी वजह से लोग बस उतना ही समझ पा रहे हैं, बट पैंडेमिक के दौरान इसकी कितनी वैल्यू बढ़ी है ये मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इसका जूस बनता है, इसको आप सुबह जो सेवन करते हैं आराम से इसको पानी में उबालिए 5 से 10 मिनट और डेली उस जूस का सेवन करिए, जो आपको इतनी अच्छा बेनिफिट देगा आने वाले टाइम में, आपको हर दिन लेना चाहिए इसका जूस गिलॉय का। उसके अलावा जो स्ट्रेस लेवल है और जो एंग्जाइटी होता है, ठीक है, एडोप्टोजन एक सब्सटेंस पाया जाता है गिलॉय प्लांट में, ठीक है, जो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपको काम डाउन करता है, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है किसी भी वजह से उसको ये काम डाउन करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, फ्री रेडिकल को दूर रखता है, ब्लड प्यूरीफाई करता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, हार्ट डिजीजेस जिसको होते हैं या हार्ट अटैक से ही बचाए रखता है। अगर ठीक है, अगर पूरी तरह से ठीक नहीं करता है, लेकिन कम भी नहीं करता है, ठीक है, ये उतना काम करता है कि आप अच्छी आपकी सेहत बनी रहे, आपकी डेली बेसिस पे जो हेल्थ है अच्छी चलती रहे। ऑस्टियोपोरोसिस इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है, जो वीमेंस में ज़्यादा पाया गया है, जो हड्डियों में आपकी जॉइंट्स में पेन होता है चलने पे, या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू मेन, वीमेन आर वर्किंग मोर इन दे होम्स एंड ऑफिस ऑल्सो, ठीक है, तो उनको जो ज़्यादा काम करती हैं औरतें उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनको डेली बेसिस पे इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए।
तो जो जो मैंने आपको आज बेनिफिट्स बताए, सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्ट करता है, सेकंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोल्ड कफ होता है, या वायरस कोई आपको छूता है, एज इन पेंडेमिक वी सी द कोरोना वायरस इज बिकमिंग मोर डेंजरस डे बाय डे, सो गिलाय प्लांट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप घर पे लाएं इसको, और इतना महंगा भी नहीं है कि आप अपने गार्डन पे ला नहीं सकते। और हाँ, एक और प्रॉपर्टी इसकी बताना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट कॉल्ड ए प्रॉपर्टी एक्चुअली, बट ये गिलाय प्लांट क्या करता है कि ये इसकी बेल बहुत जल्दी फैलती है, तो ये अगर नीम के पेड़ के पास आप इसको रखते हो तो बहुत जल्दी नीम का जो पेड़ होता है उस पर बेल बना के चढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो इसको नीम गिलाय भी इसलिए बोला जाता है। बट डोंट ट्राई कि इतना ज़्यादा आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ आपको लगता है कि हाँ इसकी बेल यहाँ ठीक से लिपट जाएगी, ठीक है, तो नीम के पेड़ के पास आप ज़्यादा इसको मत लेके जाइए, ठीक है, सो दैट ये नीम गिलाय है ना वो अपने एक बेल बना लेता है, और कहाँ कहाँ चला जाता है, आपके घर से कितना दूर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसको अपने गार्डन में ज़रूर रखिए, ये कीड़ों से बचाए रखता है हमें हमारी बॉडी को भी, और जो बाकी प्लांट्स इसके आसपास रहते हैं उनको भी, ये जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, जो पिल्लू वगैरह रहते हैं, जो वर्म्स रहते हैं, जो इंसेक्ट्स रहते हैं जो आपके प्लांट को ख़राब करते हैं उसकी मिट्टी में घुस के, ये सब को दूर रखता है, उन सबसे बचाए रखता है। तो पुराने टाइम से लेके, सदियों से लेके हम गिलाय प्लांट का सेवन कर रहे हैं, बट ये प्लांट इतना ज़रूरी था कि इसके फ़ायदे बताने आज मैंने आपको ज़रूरी समझा इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से। सो प्लीज़ आप गिलाय प्लांट अपने घर पे लगाइए, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स बाकी लोगों से भी शेयर करिए जो मैंने आपके साथ आज शेयर करे। सो आज के वीडियो में इतना ही, जितने मैंने आपको सब कुछ बताया तो आप, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा इसके बेनिफिट्स सुन के, और गिलाय प्लांट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों लाभदायक है, क्यों इसका सेवन करना चाहिए, कैसे हमें लेना चाहिए इसको, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। डू स्पेंड सम गुड टाइम विद योर प्लांट्स इन योर गार्डन, ठीक है, जहाँ भी आपने उगा रखा है, तो नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इस पेंडेमिक में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि नेचर की वैल्यू क्या है, नेचर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, तो इसलिए नेचर के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और इस गिलाय प्लांट की जो मैंने बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ और हेल्थ बेनिफिट्स आज आपके साथ शेयर करे हैं, ये आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप यू लाइक द वीडियो ऑफ गिलाय प्लांट का जो रिव्यू मैंने आपको बताया और बेनिफिट्स बताए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कि आपको क्या क्या अच्छा लगा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और आप क्या जानना चाहते हैं गिलाय प्लांट के बारे में, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए मुझे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।